नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, 17 जून 2023 की। अजमेर आरपीएससी से बड़ी खबर, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 ग्रुप ए तथा बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा निरस्त। 30 जुलाई को पुनः किया जाएगा इन परीक्षाओं का आयोजन। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने दी जानकारी। एसओजी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद लिया निर्णय। यानी आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड का जीके का पेपर ग्रुप ए और बी का रद्द कर दिया गया है। पूरी डिटेल से बात करते हैं, पूरे वीडियो का अंतिम समय तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा किस विषय का और किस ग्रुप का पेपर दोबारा होने वाला है वरिष्ठ अध्यापक का। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोटिस 27 जून 2023 का। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान ग्रुप ए की परीक्षा दिनांक 21 दिसंबर 2022 एवं ग्रुप बी की परीक्षा दिनांक 22 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के संबंध में प्रकरण संख्या 227/2022 के अंतर्गत एसओजी से प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग के विचार विमर्श उपरांत सामान्य ज्ञान ग्रुप ए एवं सामान्य ज्ञान ग्रुप बी की परीक्षा निरस्त की जाती है। अब उक्त परीक्षा दिनांक 30 जुलाई 2023 को प्रातः सत्र में सामान्य ज्ञान ग्रुप ए तथा साय सत्र में सामान्य ज्ञान ग्रुप बी की आयोजित की जाएगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथासमय घोषित किया जाएगा। यानी डेट घोषित कर दी गई है, सेकेंड ग्रेड का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। जीके के पेपर को ग्रुप ए और बी का जुलाई में होने वाले एग्जाम का टाइम टेबल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आशुतोष गुप्ता सचिव। आरपीएससी 5.89 लाख अभ्यर्थियों को झटका, 30 जुलाई को परीक्षा होगी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 22 ग्रुप ए बी के जीके का पेपर रद्द। कठारा की काली छाया, 7 महीने पेपर हुआ रद्द। ग्रुप सी के पेपर पहले से ही रद्द किया जा चुका है। आयोग ने 24 दिसंबर 2022 को ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का पेपर आयोजित किया था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही करीब 8:30 बजे यह पेपर वायरल हो गया था। इस पर आयोग ने निर्णय लेते हुए उस दिन की परीक्षा रद्द कर दी थी। बाद में पेपर 29 जनवरी को ग्रुप सी और डी के पेपर के नाम से आयोजित किया गया था। यानी सी ग्रुप का पहले ही पेपर जीके का रद्द हो चुका है और दोबारा पेपर हो चुका है। अब ग्रुप ए और सी का पेपर भी रद्द 7 महीने के बाद रद्द हुआ है और दोबारा होने वाला है। आरपीएससी के भ्रष्ट मेंबर बाबूलाल कटारा की काली छाया, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का पीछा नहीं छोड़ रही है। एसओजी की रिपोर्ट के बाद आयोग ने शनिवार को वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 के ग्रुप ए और बी के सामान्य ज्ञान विषय के पेपर रद्द कर दिए। अब ये पेपर 30 जुलाई को कराए जाएंगे। आरपीएससी के इस फैसले का असर 5.89 लाख परीक्षार्थियों पर पड़ा है। इससे पहले वायरल होने के कारण ग्रुप सी के जीके का पेपर 24 दिसंबर को रद्द किया जा चुका है। इसकी परीक्षा 29 जनवरी को दोबारा कराई जा चुकी है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता का कहना है कि आयोग ने प्रकरण संख्या 227/2022 में एसओजी की रिपोर्ट के बाद 21 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान ग्रुप ए तथा 22 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान ग्रुप बी के पेपर निरस्त कर दिए। अब 30 जुलाई 2023 को प्रातः सत्र में ग्रुप ए तथा सायकालीन सत्र में ग्रुप बी के पेपर होंगे। ग्रुप ए में 3,30,075 और ग्रुप बी में 2,86,627 परीक्षार्थी ने दी थी परीक्षा। कटारा की काली छाया, 7 महीने पेपर हुआ रद्द। आयोग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आयोग के 74 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी भर्ती परीक्षा के आयोजन के 7 महीने बाद पेपर रद्द करने पड़े। हमारे दावे सही निकले। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड 2022 पेपर लीक में सामान्य ज्ञान ग्रुप ए व ग्रुप बी का पेपर निरस्त करना प्रमाण है कि कांग्रेस राज में परीक्षाओं की पवित्रता भंग हुई है। परीक्षा में नकल माफियाओं को लेकर हमारे दावे सही निकले। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष। मैंने ईडी को सबूत दिए हैं, मैंने पुख्ता सबूत दिए हैं कि 21 और 22 दिसंबर की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। ईडी के डर पेपर रद्द किए। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, जिससे मुख्यमंत्री जी कतरा रहे। जांच हो तो आरएएस और एएसआई भर्ती में बड़े खुलासे होंगे। किरोड़ी लाल सांसद। अब जो पेपर वरिष्ठ अध्यापक का जो रद्द हो चुका है, निरस्त हो चुका है। ग्रुप ए की बात करते हैं, ग्रुप ए में सोशल स्टडी आता है केवल। सोशल स्टडी का जीके का जो पेपर है 30 जुलाई को प्रातः सत्र में होने वाला है, वो एसएसटी वालों को देना पड़ेगा। ग्रुप बी जीके के पेपर की बात करते हिंदी इंग्लिश और उर्दू वालों को देना पड़ेगा दोबारा, जो 30 जुलाई को सायंकालीन सत्र में होने वाला है। नया जो टाइम टेबल, विस्तृत टाइम टेबल आरपीएससी द्वारा जारी कर दिए जाने पर आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक तरह से बुरी खबर है कि परीक्षा होने के 7 महीने बाद जब परिणाम का इंतजार कर रहे उस समय पेपर रद्द हुआ है और दोबारा से तैयारी करना है, मतलब एक तरह से कड़ी चुनौती है। यानी इतना लंबा संघर्ष होने के बाद ही पेपर रद्द कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी सामने नजर आती है। तो इस समस्या ये नहीं है कि पेपर रद्द होना, समस्या ये है कि बार बार पेपर रद्द आखिर हो क्यों रहे हैं, उसका कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है। तो इसकी वजह से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बार बार मेहनत करने के लिए इतना खर्चा कहाँ से करे, फिर भी दोबारा पेपर जिनका अच्छा हो चुका है वो दोबारा प्रयास करें तो पास हो जाएंगे, और जिनका बुरा हो चुका है उनको एक तरह से फिर से दोबारा चांस मिला है। तो अपनी तैयारी 40 दिन में आप पूरी तरह से करें और जीके के पेपर को अच्छे से देने का प्रयास करें। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।